फाइनली गाइस राइनो इको रिजॉर्ट हैव अ लुक गाइस। बगल में इधर पूरा नदी है, देख सकते हो पूरा बहुत ही बड़ा है, पूरा पत्थर से भरा पड़ा है। तो भाई आलिया भाई का गूगल जी खो गया है यार, क्या बोलो, इधर पूरा दौड़ रही है अभी। तो गाइस फाइनली बाय बाय ट्री हाउस। सो है गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड खुलुमारे जफर। तो अभी देख सकते हो मैं अभी ऐसे स्टार्ट कर दे रहा हूँ गाँव पेट्रोल पंप से। तो अभी थोड़ा फ्यूल अप करवा लेते हैं एंड हम अभी जाने वाले हैं राइनो इको रिजॉर्ट। तो वहाँ पर क्या है आप लोग को वहाँ पर डायरेक्ट जाके दिखाते हैं। तो मेरा तो फ्यूल अप हो गया है। तो इधर देख सकते हो टेव राइड कर रहे हैं, इधर एनएस और आली भाई राइड कर रहे हैं अपना R15। तो जस्ट निकल दे रहे हैं यहाँ से पेट्रोल पंप फिर गाँव। क्या अच्छे अच्छे सीन दिखा पाते हो देखते हैं। और आगे चला गया टेव और आली भाई। ओ भाई और मेरे साथ पिलियन बैठा है डेमो। हाँ इधर का रास्ता है ना थोड़ा बहुत ख़राब है, थोड़ा बहुत ख़राब है। तो गाइस मेरा जो संडे राइड वाला वीडियो था इधर ही बनाया था मैंने, तो वही सेम रोड है। तो इसी रोड से हम अभी जा रहे हैं राइनो इको रिजॉर्ट। यस गाइस तो लेट्स गो। और टू मच फन होने वाला है आज भाई। हाय हाय क्या ही रास्ता है यार। ओ भाई आपासी क्या ही निकला है यार। आगे से जा रहा है तेव ब्रो एंड मिलन और पीछे आ रहा है आली ब्रो एंड कृष्ण। तो मेरे सारे डेमो गाइस। और अगेन सीरीज कब्रिस्तान और ये आली भाई जस्ट निकला मेरे बगल से। और अभी हम लोग 6 लोग है। बहुत अच्छा लग रहा है, संडे को भी ऐसा राइड करने को मिल जाए ना बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को। अब तो भाई आली भाई का गूगल जी खो गया है यार, क्या बोलो, थोड़ा स्पीड में थे ना इसी वजह से खुल के कहाँ पर गिर गया पता ही नहीं चला, तो हमें भी नहीं दिखाई दिया। सो गाइस अभी यहाँ पर दिमागों से पर जस्ट वाटर ब्रेक के लिए रुके थे, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं फिर से। तो लेट्स गो गाइस। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो राइनो इको रिजॉर्ट है। तो लेट्स गो भाई। ओ या फिर से स्टार्ट हो गया है हमारा राइड। और ये वाला रोड है ना बंगाली पारा रोड है और दिमागों से तो बंगाली पारा रोड है ये। तो हम अभी बंगाली पारा साइड के रोड पे जा रहे हैं। अभी पूरा आप लोगों को सीधा इधर जाने से बंगाली पारा मिलेगा और इधर यामा का शोरूम। और मैं बताना भूल गया कि हैप्पी होली गाइस और गणपति बाप्पा मोरिया। तो सबको अच्छी विशेस करते हैं हैप्पी होली। तो इन्जॉय करिएगा आप लोग भी। हमारा पूरा उदलगुरी साइड का इधर ही बहुत ज़्यादा मतलब कि 30 स्टेट है तो देख सकते हो। और इधर वर्कर लोग काम कर रहे हैं रास्ते बनाने में भाई साहब। तो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो रहा है और नया पट्टी निकल आ रहा है ना, इसलिए पूरा मस्त ग्रीन। ओ माय गॉड भाई रास्ता कैसा कैसा है भाई। भाई इधर से पानी शुरू हो चुका है। ऐ ऐ ऐ ऐ ओ भाई साहब अभी कुछ कह रहे हैं इन लोगों की भाषा में। ओ हो ना वो भाई। तो अभी इन लोग का छोटे छोटे भाई बहन लोग है तो इन लोग का थोड़ा कुछ देखे जाते हैं। तो अभी मेरा पैसा किधर रहेगा देखते हैं। तू सो कस तू सो कुछ बोलो कस्तु छो राम छो। तो हो जाएगा कोई ना कोई ना। अब अभी मैंने 20 रुपया दिया ना आप लोग का पूरा हम लोग का पूरा होल मिला के ठीक है। <नहीं,
तो थोड़ा मेरे को कुछ एक दो नेपाल वगैरह आते तो मैंने इन लोगों को पूछा कि बोला ही नहीं, तो कोई ना। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ना पूरा नदी है, तो अभी पानी नहीं है, विंटर के टाइम है ना, इसलिए पानी नहीं है। तो अभी समर आ जाएगा तो पानी पूरा फूल इधर। हम लोग इधर समर के टाइम पे आया था, अभी उस टाइम मतलब कि अभी तो पानी नहीं है, उस टाइम बहुत पानी था और पानी में ही इधर से पूरा हमने क्रॉस करा था ये वाला जो रिवर है। हाय यार, मेरा एक दो फोटो लिया था इधर। इधर थोड़ा यार क्या बताओ आप लोगों को, स्लिक मारती है इधर, पूरा रेड है ना इसीलिए। तो इधर ही हमने रुक के थोड़ा फोटो शूट वगैरह किया था उस टाइम। ओ भाई साहब, और इधर ही मेरा जब यहाँ पर मैंने बर्न आउट मारा था ना, पंचर हो गया था भाई साहब। और अभी ना हम लोग जब रिटर्न जाएंगे तो उधर से निकल के जाएंगे, फिर पूरा देख सकते हो ऑफ रोडिंग। तो अभी इधर भी यार ये व्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा फन के लिए बना रहे हैं, ये ऐसे मतलब की वीडियो नहीं डालते हैं, तो फन के लिए बना रहे हैं। तो फाइनली गाइस, राइनो इको रिजॉर्ट, हैव अ लुक गाइस, एक नज़र बना के देखो आप लोग राइनो इको रिजॉर्ट। तो आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं। तो इधर से पूरा एंट्रेंस गेट है, इधर पार्किंग है, पार्किंग कर लेते हैं पूरा इधर साओ में, पार्किंग। ओ गाइस, अभी पूरा इधर देख सकते हो बाल पूरा खराब हो चुका है, और इधर का नज़ारा देख सकते हो। और इधर हमसे लोग का पूरा 180 रुपीज़ हुआ है, क्योंकि पर वन पर्सन 30 रुपीज़ है। तो इधर मेरा दोस्त लोग देख सकते हो पीछे। भाई यार बहुत गर्मी हो गया है यार, लेकिन अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्टिंग में इतना ज़रा मैं क्या ही बताओ आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सिनेमेटिक देखो। हम जिस टाइम पे आई ना, पूरा धूप है यार, बहुत ज़्यादा धूप है, पूरा दोपहर हो गया है अभी, इसीलिए पूरा धूप है। तो अभी इधर पूरा बैकग्राउंड में देख सकते हो पूरा अच्छे अच्छे सीन वगैरह लगा के रखा है। तो अभी आज ना इतना अच्छे से मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। तो कभी आएंगे तो आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखाएंगे। तो आगे जाते इधर दोस्त लोग मेरा देख सकते हो पूरा आगे जा रहा है। सो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मेन राइनो इको रिजॉर्ट का जो मेन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर ही होता है खाना पीना वगैरह, ऊपर जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो इधर फोटोशूट चल रहा है। तो गाइस अभी इधर से थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं और यहाँ से कितना ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इधर देख सकते हो हैव अ लुक गाइस, पूरा सीढ़ी लगाया हुआ है। तो इधर पूरा सीट वगैरह देख सकते हो। तो इधर भी आप लोग यहाँ पर आके रुक सकते हो। तो फ्लैग वगैरह लगाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, कुछ यहाँ पर मंत्र वगैरह लिखा हुआ है। और इधर थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो उधर भी एक है देख सकते हो, इको रिजॉर्ट लिखा हुआ है उधर घर में। इधर सुपर व्यू में आप लोगों को थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रहा होगा, तो उधर अभी थोड़ा ऊपर धक्के भी दिखाऊँगा आप लोगों को बाहर से, इधर नीचे का जो नज़ारा है। ओह भाई साहब यार, बहुत ही गर्मी है यार, क्या बताओ, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है यार, और कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाला है, नेक्स्ट लेवल गर्मी होगा इस साल ना। तो गाइस इधर पूरा जस्ट राइनो इको रिजॉर्ट के बगल में इधर पूरा नदी है, देख सकते हो पूरा बहुत ही बड़ा है, पूरा पत्थर से भरा पड़ा है। तो इधर भी एक देख सकते हो रूम, तो इधर भी रुक सकते हो। तो अभी ऊपर जाने के लिए अभी इधर हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा ठंड लग रहा है, पहले तो बहुत गर्मी लग रहा था, अभी थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। और इधर देख सकते हो बैकग्राउंड में पूरा चाय पत्ती वगैरह उठा रही है यहाँ से अभी। तो इधर पीछे देख सकते हो पूरा भाई लोग, और पीछे से भी दो लोग आ रहे हैं। तो उधर रस्सी का जो ब्रिज है वहाँ पर भी चढ़ सकते हो, बट अभी हम वहाँ पर नहीं चढ़ने वाले हैं। तो इधर से पूरा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर पहाड़ के थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो देख सकते हो हैव अ लुक गाइस, पूरा चाय पत्ती इधर लगाया हुआ है। तो अभी इधर पूरा चढ़ रहे हैं।
भाई साहब इधर से शायद पानी ने पूरा ऐसा स्ट्रक्चर कर दिया है, इधर से भी देख सकते हो। ओह भाई साहब भाई अच्छा लग रहा है आके। और अभी ट्री हाउस पे भी जाएंगे तो यहाँ का नज़ारा जो है पूरा थोड़ा फटाफट फटाफट दिखा के ट्री हाउस पे भी आप लोगों को दिखाएंगे नज़ारा, ठीक है। तो गाइस इधर देख सकते हो, तो इधर पूरा दौड़ रही है अभी। अरे ये क्या दिखा रहा है भाई साहब, तो पूरा देख सकते हो इधर से थोड़ा ऊंचा है, तो मैं इधर पूरा रिवाज से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं भी इधर पूरा चढ़ के ऊपर जाता हूँ। ऑल्डो बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है भाई, अभी नीचे आ चुके हैं हम लोग। और त्योना कहाँ रह गया देखते हैं अभी कहाँ पर है त्यो। ओ भाई नीचे से खींचा जा रहा है। ओ भाई साहब इधर बहुत सारा बेम्बू आके रखा हुआ है और गंदिस पूरा क्या ही लुक आ रहा है, पूरा इधर एक लाइन में पूरा देख रहा है ना सुपर व्यू में। और इधर कुछ सीनरी वगैरह लगा हुआ है भाई, अभी तो थोड़ा कम है लोग, बट सुबह को शायद आके चला गया होगा, मे भी हो सकता है। तो अभी थोड़ा उधर का सीन वगैरह है दिखाने को आप लोगों को, वो दिखा कर यहाँ से निकल देते हैं। तो गाइस मैं अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में आ चुका हूँ और इधर पूरा लैब बनाया हुआ है बेम्बू का, और इधर बच्चों का खेलने का सामान वगैरह बनाया हुआ है। तो इधर बड़े बड़े पत्थर रखा हुआ है और इधर आगे बच्चे लोग खेल रहे हैं, और इधर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, और इधर वो रस्सी पे चढ़ भी सकते हो, और इधर का फुल नज़ारा देखो आप लोग। तो मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था मोनोपोड के साथ, तो अभी पूरा हेलमेट लगा के अभी भाग रहा हूँ मैं अभी। सो गाइस अभी यहाँ से एक नज़ारा देख लो पूरा फुल व्यू, तो यहाँ से निकल देंगे अभी सीन ख़त्म होने के बाद। तो इधर पूरा नया घर बनाया हुआ है अभी, जस्ट नया बना रहे हैं, और इधर टेंट लगा हुआ है। और लो इधर आप लोग रात को रह सकते हो आके, यहाँ पर रुक सकते हो। और इधर पानी देख सकते हो, अभी पानी थोड़ा कम है। और उधर पूरा इधर ना गाइस पूरा खेत वगैरह भी करते हैं, जैसे कि मान लो ये देख सकते हो चाय पत्ती का खेत करते हैं, और उधर बहुत सारे सब्जी वगैरह का। उधर तेंजिंग बोडोसा सर का अपना खुद का जो ये इधर फार्मिंग वगैरह करते हैं उधर देख सकते हो। तो अभी यहाँ से निकल देते हैं ट्री हाउस के लिए, तो लेट्स गो गाइस। तो ये लोग भी निकलने के लिए रेडी है। सो गाइस वी आर एंटरिंग द ट्री हाउस। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ट्री हाउस, तो देखो आप लोग। यस यहाँ पर पार्क कर लेते बाइक। तो गाइस अभी यहाँ पर देखते हैं कैसा कैसा रूम है ट्री हाउस के अंदर, लेट्स सी गाइस देखते हैं चलो। और इधर से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो गाइस मैं अभी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो GoPro को रख दिया है हेलमेट पे ही। तो इधर सीरी लगा हुआ है पूरा वुडन का है, और इधर से भी एक रूम दिखाई देता है। इधर देख सकते हो यहाँ पर बस ऐसा सामान वगैरह रखने के लिए। तो देखो इधर से तो ऐसा कुछ पहाड़ का नज़ारा है। तो इधर स्विच बोर्ड रखा हुआ है, ओल्डो ख़राब हो चुका है। तो गाइस मैं अभी पूरा टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ, तो पूरा इधर देख सकते हो ये वाला टॉप फ्लोर है। तो इधर का नज़ारा देखो आप लोग थोड़ा। तो मेरा दोस्त लोग यहाँ से चले गए नीचे, तो अभी मैं भी चल देता हूँ। तो मेरे पीछे देख सकते हो ट्री हाउस, इसीलिए कहते हैं ट्री हाउस क्योंकि ट्री के ऊपर एक हाउस है। तो चलो चलो चलो, तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का ट्री हाउस का। तो इधर भी एक छोटा सा ट्री हाउस है, ऊपर जाना मतलब कि पूरा थकना थकना ही बोलेंगे ऊपर जाने का मतलब। तो आई होप मेरा ऑडियो जो है अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि माइक भी अभी GoPro पे लगाया हुआ है। और इधर देख सकते हो नया कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, नया घर। थोड़ा थोड़ा सा सेकी हो सकता है वीडियो। और इधर टेंट लगाया हुआ है ऊपर में, और इधर आलू भाई आगे देख सकते हो पूरा ट्री हाउस गाइस, ट्री हाउस।
तो चलते हैं और ऊपर। तो गाइस अभी इधर एंटर कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ओहो अभी इधर भाई लोग बैठा हुआ है पहले से ही। तो गाइस ये देख सकते हो मेन्यू, तो आप लोग पूरा पोस्ट करके पढ़ सकते हो। इधर देख सकते हो पूरा मेन्यू, यहाँ पर आके सब एंजॉय कर सकते हो आप लोग। आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड कर देते हैं। तो टिल देन टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तो गाइस फाइनली बाय बाय ट्री हाउस।